एलेंस की नोट में आज हम डिस्कस करेंगे स्टेनम मेट के बारे में। तो ये एक एलिमेंट है टिन, इसका कॉमन नेम। और मेंटल जनरल्स की बात करें तो एक्सट्रीम एग्जॉशन ऑफ माइंड, माइंड इसका एग्जॉस्टेड हो चुका है एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत ज़्यादा मानसिक थकान, एक्सट्रीम एग्जॉशन ऑफ माइंड। अब कैसा रहेगा मेंटली, ये सैड डेस्पोंडेंट फील लाइक क्राइंग ऑल द टाइम। कैसा फील करता है, क्राइंग हमेशा रोता रहता है ऑल टाइम, ऐसा फील हो रहा है उसको। वे शेड है, डेस्पोंडेंट है, निराश है, उदास है, बट क्राइंग मेक हर वर्स। ये फील कर रहा है क्राइंग ऑल द टाइम, और ये क्राइंग जो है रोना इसको वर्स भी करेगा। यहाँ पे कंपैरिजन किया है नेट्रम्यूर, पल्स्टेला एंड सीपिया से। नेट्रम्यूर में क्या है, क्राइंग फ्रॉम स्लाइटेस्ट कास, क्राइंग फ्रॉम स्लाइटेस्ट कास गेट इन टू पेशेंट अबाउट ट्राइफल्स स्पेशली वेन कंसोल्ड विद, जब उसको कंसोलेशन देते हैं, जब उसको कोई कंसोल करेगा तब नेट्रम्यूर क्या करेगी, क्राई करेगी, है ना। पेशेंट अबाउट ट्राइफल्स, गेट इन टू पेशेंट अबाउट ट्राइफल्स, क्राइंग फ्रॉम स्लाइटेस्ट कास, इरिटेबल होती है नेट्रम्यूर, ठीक। और मार्क डिस्पोजिशन है वीपिंग का, सेड वीपिंग मूड विदाउट कास, विद बिना किसी कारण के नेट्रम्यूर में वीपिंग देखने को मिलेगी। मार्क डिस्पोजिशन है इसका, डिस्पोजिशन है इसका नेट्रम्यूर का वीपिंग टाइप का है, वीपिंग मूड विदाउट कास, बट कंसोलेशन फ्रॉम अदर्स एग्रावेट हर ट्रबल्स। अगर नेट्रम्यूर को कंसोल करेंगे तो उसकी कंप्लेंट एग्रावेट होगी। तो मार्क डिस्पोजिशन टू वीप इन नेट्रम्यूर, सेड वीपिंग मूड इन नेट्रम्यूर विदाउट कास, बट कंसोलेशन फ्रॉम अदर्स एग्रावेट हर ट्रबल्स। पल्स्टेला में क्या लिखा है, वीप इजिली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट विदाउट वीपिंग, वीपिंग करती है पल्स्टेला, वीपिंग इजिली, वीप्स इजिली, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट वीपिंग, बिना रोए ये कोई कंप्लेंट बताया कि नहीं। वीप वेन थैंक्ड, अच्छा जब लाइकोपोडियम का ब्रोथ है, जब उसको कोई थैंक यू बोलता है। पल्स्टेला में क्या है, वीप इजिली और बिना रोए वो कंप्लेंट नहीं बताया। नेट्रम्यूर में क्या है, उसका डिस्पोजिशन ही इस तरीके का है, वीपिंग डिस्पोजिशन है, और कंसोलेशन से उसको क्या होगा, एग्रावेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा लाइकोपोडियम में क्या है, जब उसको कोई थैंक यू बोलता है तब वो क्या करता है, वीप करता है। तो इस तरीके से हमने लाइकोपोडियम देखा, और स्टेनम मेट देखा, है ना। स्टेनम मेट में क्या है, बट क्राइंग ये फील नहीं करता रहता है, क्राई ऑल द टाइम, बट क्राइंग मेक हर फोकस, ठीक है। अब सीपिया का देखते हैं, सीपिया में क्या है, इसमें रहेगा ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, ठीक है। तो हमारी पल्स्टेला भी रोती है, सीपिया भी रोती है, नेट्रम भी रोती है, तो नेट्रम का तो डिस्पोजिशन ही ऐसा है। पल्स्टेला क्या है, वीप्स इजीली, और सीपिया में क्या है, ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन ऑफ मेन, उसको डर लगता है, भय लगता है मेन से, अलोन अकेले रहने से, मीटिंग फ्रेंड्स विथ यूट्राइन ट्रबल्स। सीपिया में यूट्राइन ट्रबल्स हैं, उसके साथ में वो अकेले रहने से उसको ड्रेड रहेगा, मेन से ड्रेड रहेगा, और मीटिंग फ्रेंड्स से उसको भय लगता है। ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग इन सीपिया, तो ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग इन सीपिया, वीप इजिली पल्स्टेला, डिस्पोजिशन ऑफ वीपिंग नेट्रम्यूर, और फील्स फील्स लाइक क्राइंग ऑल द टाइम, बट क्राइंग मेक हर वर्स इन स्टेनम मेट। अगला पॉइंट देखते हैं, फेंट एंड वीक स्पेशली व्हेन गोइंग डाउन स्टेयर्स कैन गो अप वेल इनफ। देखो जब वो डाउन ही सीढ़ियाँ उतरती है तब उसको क्या वीकनेस लगेगी, जब वो ऊपर जाएगी तब उसको दिक्कत नहीं होती। तो इसको डाउनवर्ड से क्या है, डाउनवर्ड मोशन से इसको दिक्कत है। बोरेक्स में भी क्या है, डाउनवर्ड मोशन, बोरेक्स में क्या दिया हुआ है, ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट, उसको ड्रेड है, है ना। तो बोरेक्स में ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट, और इसका रिवर्स किस में देखने को मिलेगा, गैल्केरिया में, फिजिकल जनरल से। स्टेनम के फिजिकल जनरल में क्या है, व्हाइल ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग हैज़ टू सिट डाउन सेवरल टाइम टू रेस्ट, ठीक है। तो जब ये मॉर्निंग में ड्रेसिंग
करेगा तो हैज़ टू सीट डाउन सेवरल टाइम, बार बार इसको बैठना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब कपड़े पहनते हैं तो उसको बार बार बैठना पड़ता है, ठीक है, तो रेस्ट करना पड़ता है। व्हाइल ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग हैज़ टू सिट डाउन सेवरल टाइम टू रेस्ट। फिर इसमें स्वेट कैसा है, स्वेट की बात करें तो माउल्डी मस्टी ओडर आफ्टर 4 AM एवरी मॉर्निंग ऑन नेक फोरहेड वेरी डेबिलिटेड। मतलब इसका जो स्वेट है वो उसकी वजह से इसको डेबिलिटी आएगी, वेरी डेबिलिटिंग स्वेट है। नेक में पसीना आता है, फोरहेड पे आता है, और कब आता है, 4 AM के बाद मॉर्निंग में, एवरी मॉर्निंग में स्टेनमेट को स्वेटिंग होगी 4 AM के बाद। उसका कैरेक्टर कैसा है, माउल्डी मस्टी ओडर, उसकी ओडर कैसी है, मस्टी। तो ये मस्टी ओडर क्या होती है, मस्टी ओडर मतलब जिसमें फंगस लग जाती है ना, तो मोल्ड, जो मोल्ड मोल्ड वाला कैरेक्टर रहेगा, माउल्डी फंगस लग जाती है ना, तब जो ओडर आती है उसको मस्टी ओडर कहते हैं। अब इसका अपन देख लेते हैं GIT, तो उसमें सिंकिंग एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टोमक, एम्प्टी गॉन सेंसेशन, सारे सेंसेशन। अब इसमें पेट में खालीपन वाला सेंसेशन लग रहा है, ठीक है, सिंकिंग, खाली सिंक हो गया उसका स्टोमक, ऑल एम्प्टी सेंसेशन इन द स्टोमक। फास्फोरस में क्या लाइन लिखी है, वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन इन द हेड चेस्ट स्टोमक एंड इंटायर एब्डोमन, पूरे एब्डोमन चेस्ट स्टोमक हेड में उसको ऑल वीक एम्प्टी, ठीक है, वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन, वीक रहेगा, एम्प्टी खाली, ऑल गॉन सेंसेशन, ये फास्फोरस की लाइन है। एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टेनम में, स्टोमक में स्टेनम भी है। और CPI की लाइन देखते हैं, CPI में क्या लिखा है, पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस ऑल गॉन फीलिंग इन द एपिगेस्टियम रिलीव्ड बाय ईटिंग। इसको भी यही है कि ऑल गॉन फीलिंग, CPI में क्या लाइन लिखी हुई है, ऑल गॉन फीलिंग इन द एपिगेस्टियम, एपिगेस्टिक रीजन में ऑल गॉन फीलिंग, ऑल गॉन फीलिंग सेंसेशन रहेगा और रिलीफ होता है उसको ईटिंग से। तो ऑल गॉन फीलिंग इन द एपिगेस्टियम CPI, क्योंकि रिलीव होता है ईट से। पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस, पेनफुल है CPI में, पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस। कोलिक, कोलिक एम्युलेटेड बाय हार्ट प्रेशर और बाय लेइंग एब्डोमन अक्रॉस नी और शोल्डर। तो कोलिक ही पेन में, कोलिक जो है उसमें हार्ट प्रेशर से रिलीफ होता है इन स्टेनम मेट, एब्डोमन पे लाए करें अक्रॉस नी और शोल्डर, इससे इसको रिलीफ होता है कोलिक में। कोलोसिन को भी प्रेशर से रिलीफ होता है। लुम्ब्रिका है पासेस वॉर्म, ये वॉर्म्स की भी रेमेडी है, ठीक है, स्टेनम मेट। नोजिया एंड वॉमिटिंग इन मॉर्निंग फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड से नोजिया वॉमिटिंग होता है स्टेनम मेट को। कुकिंग फूड अगर खाना बन रहा है उसकी ऑर्डर से अगर नोजिया वॉमिटिंग हो वो मॉर्निंग में, तो इसकी रेमेडी है स्टेनम मेट, आर्सेनिकम और कोल्चिकम। आर्सेनिक भी कैन नॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड, ये बियर नहीं कर सकता स्मेल और साइट ऑफ फूड को। स्टेनम में क्या था, स्टेनम में ये है कि नोशा वॉमिटिंग होता है ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड से, पर आर्सेनिक तो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, स्मेल और साइट देख भी नहीं पाएगा, स्मेल भी सूंघ भी नहीं पाएगा फूड को। कोल्चिकम में क्या लिखा हुआ, स्मेल पेनफुली एक्यूट नोजिया एंड फेंटनेस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, तो नोजिया होता है और फेंट हो जाएगा, कोल्चिकम फेंट हो जाएगा, उसके पेनफुली एक्यूट वर्ड लिखा हुआ है। स्मेल जो है उसको पेनफुली एक्यूट कंडीशन डेवलप करेगी, स्मेल की वजह से पेनफुल कंडीशन आ जाएगी, पेनफुली एक्यूट कंडीशन इन कोल्चिकम। नोजिया एंड फेंटनेस फ्रॉम ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, नोजिया होगा फेंटनेस होगी कुकिंग फूड से इन कोल्चिकम, तो फेंट हो जाएगा कोल्चिकम, स्पेशली फिश एग और फेट मीट। तो देखो फिश एग और फैट एंड मीट, तो ये फैटी मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, इस ये तीनों स्पेसिफिक बताया है कोल्चिकम में, पेनफुली एक्यूट वर्ड लिखा है कोल्चिकम में, और इवन नोजिया तो होगा ही साथ में फेंट हो जाएगा कुकिंग फूड की ऑर्डर से। तो डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए कि कोई अगर फेंट हो रहा है तो कोल्चिकम, कोई बियर नहीं कर पा रहा है तो आर्सेनिकम, और अगर उसको नोजिया वोमिटिंग और मॉर्निंग में स्पेशली हो रहा है तो वो स्टेनम।
मेंसेस इसके टू अर्ली टू प्रोफ्यूज सैडनेस बिफोर पेन इन द मलार बोन ड्यूरिंग, तो टू बहुत जल्दी आएंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे, सैडनेस के साथ रहेंगे, वेले सेड रहेगी वो, है ना, और उसको मलार बोन में पेन होता है मेंसेस के दौरान। ल्यूकोरिया ग्रेट डेबिलिटी वीकनेस सीम्स टू प्रोसीड फ्रॉम द चेस्ट, ठीक है, बहुत डेबिलिटी रहेगी ल्यूकोरिया के साथ और वीकनेस रहेगी, ठीक है, चेस्ट में, और फ्रॉम एब्डोमन पेल्विस वास्पोरस सीपिया, तो एब्डोमन पेल्विस में इस तरीके की वीकनेस रहे तो वास्पोरस सीपिया। अब प्रोलैप्स यूट्राई हॉर्स ड्यूरिंग स्टूल, यूट्रस का प्रोलैप्स हो रहा है और ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जो है स्टूल पास करने के दौरान हो रहा है, वॉर्स हो जाता है, अगर स्टूल पास करते हैं तो प्रोलैप्स वाली कंडीशन वॉर्स हो जाती है। अगर डायरिया के साथ प्रोलैप्स देखने को मिले तो पोडोफाइलम, शो वीक टू ड्रॉप, शो वीक सी ड्रॉप्स इन टू अ चेयर इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन, जैसे चेयर पर बैठने लगेगी तो बहुत वीकनेस की वजह से वो गिर जाएगी, सिटिंग डाउन की बजाय वो गिर जाएगी, सो वीक सी ड्रॉप्स इन टू अ चेयर, चेयर पर से गिर जाएगी इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ग्रेट वीकनेस इन द चेस्ट, देखो चेस्ट पे इसका वो है, जैसे ल्यूकोरिया में भी चेस्ट में क्या देखने को मिल रहा था, वीकनेस सीम टू प्रोसीड फ्रॉम द चेस्ट, चेस्ट से वीकनेस आई है ल्यूकोरिया में, है ना, चेस्ट ओरिजिन की, अब इसमें चेस्ट में वीकनेस है ही सही, तो एग्रावेट होती है टॉकिंग लाफिंग रीडिंग अलाउड, जैसे कोई ज़्यादा बोल रहा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, तो उससे चेस्ट में वीकनेस एग्रावेट हो जाएगी, सो वीक अनेबल टू टॉक, ये वो बात नहीं कर पाएगा, अनेबल है टॉक करने में, तो स्टेनम को बहुत चेस्ट में वीकनेस होती है, सिंगिंग टॉकिंग रीडिंग लाउच, सो वीक अनेबल टू टॉक। कफ में क्या है, डी फॉलो सेटरिंग स्ट्रैंगलिंग कन्वल्जन इन पैरोक्सिज्म ऑफ थ्री कफ, स्टेनम में कितने पैरोक्सिज्म आते हैं, तीन, और मर्क में कितने आते हैं, दो पैरोक्सिज्म में कफ होता है खांसी, ये दो पैरोक्सिज्म हो तो मर्क और तीन हो तो स्टेनम मेट, तो डी फॉलो शेटरिंग स्ट्रेंगलिंग कन्वल्जिंग इन पैरोक्सिज्म थ्री कप, ड्राई वायलिन बेड ड्राई कफ की मेडिसिन है, उसको पूरा हिला देगी शेटरिंग, डी फॉलो स्ट्रेंगलिंग कन्वल्जिव कन्वल्जिव इन पैरोक्सिज्म, उसके पैरोक्सिज्म आ रहे पेरोडिसिटी है, और वायलिन बेड इन यूरिन एम्प्टी सेंसेशन इन द चेस्ट, चेस्ट में भी इसको एम्प्टी सेंसेशन है, स्टोमक में भी एम्प्टी सेंसेशन है, ड्राई कफ की रेमेडी है और पैरोक्सिज्म में आता है, तीन पैरोक्सिज्म, ठीक है। एक्सपेक्टोरेशन कैसे आएगा वो, उसमें खांसी में जो एक्सपेक्टोरेशन आएगा वो प्रोफ्यूज लाइक द वाइट ऑफ एन एग स्वीटिस साल्टी, तो पेशेंट बोलेगा कि स्वीटिस एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है, साल्ट जैसा स्वाद आ रहा है, साल्टी और वाइट ऑफ एन एग लाइक दिखेगा अपन को। काली आयोड का यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है, तो इसमें स्टेनम में किस तरीके का है, स्वीटिस साल्टी वाइट ओपन एक टाइप का है, और काली आयोड जो इसका रेस्पिरेटरी में इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं दिया एलेंस में, बाकी इसको डिस्निया होता है असेंडिंग स्टेयर से, असेंडिंग से डिस्निया हो रहा है, और हमारी जो स्टेनम है इसको कहाँ पे डिस्निया हो रहा था, इसको डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत है और काली आयोड को अपवर्ड से दिक्कत है, और काली आयोड में ये है कि चेस्ट में इसको पेन होता है, ठीक है, जो कि टच करने से पड़ जाता है, तो ये दिया है काली आयोड में। और सोर पुट्रिट मस्टी येलो ग्रीन पस, येलो ग्रीन पस मोल्ड टाइप का मस्टी, यानी उसके ऑर्डर है कि फंगल लाइक, तो मोल्ड टाइप सोर पुट्रिट है, बहुत सड़ा सा है, तो एक्सपेक्टोरेशन बिल्कुल पुट्रिट ग्रीन येलो इस तरीके का, और हेवी ग्रीन साल्टी, तो इसमें काली आयोड, काली आयोड का कैसा रहेगा, हेवी ग्रीन कलर का रहेगा और साल्टी एक्सपेक्टोरेशन काली आयोड का फीचर है, तो ये काली आयोड का कैसा रहेगा, हेवी ग्रीन ड्यूरिंग द डे स्टेनम को डे में, हॉर्सनेस डीप हस्की होलो वॉइस रिलीव्ड फॉर द टाइम बाय कफिंग और एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस, म्यूकस बाहर निकल जाएगा और क्या करेगा वो, कफिंग करेगा तो उससे रिलीफ मिल जाएगा, हॉर्सनेस उसका जो कला बेटा है, डीप हस्की होलो वॉइस जो है वो रिलीफ हो जाएगी कफिंग से और एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकस। एक्सट्रीमिटीज में व्हेन सिंगिंग और यूजिंग द वॉइस एकिंग एंड वीकनेस इन द डेल्टॉइड नाउ, इसको जब सिंगिंग करता है, जब वो ज़्यादा वॉइस का यूज़ करता है, जब आवाज़ का यूज़ करता है गाता है, तो उसको पेन होता है कहाँ पे और वीकनेस होती है डेल्टॉइड रीजन में और आर्म्स में,
फिर नर्वस सिस्टम में हेडेक और न्यूरालजिया पेन बिगिन लाइटली एंड इंक्रीज ग्रेजुअली टू हाईएस्ट पॉइंट एंड देन ग्रेजुअली डिक्लाइन. तो पेन जो है वो लाइट पेन होगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज भी हो रहा है और ग्रेजुअली डिक्लाइन भी हो रहा है. तो ग्रेजुअली इंक्रीज ग्रेजुअली डिक्लाइन स्टेनम मेड. और इसका यहाँ पे कंपैरिजन किससे किया गया है, प्लेटिना से. ठीक है, इन प्लेटिना द पेन्स इंक्रीज ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज. तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो और ग्रेजुअली डिक्रीज हो, तो दो मेडिसिन हमने देखी, स्टेनम मेड और प्लेटिना. ठीक है, पर प्लेटिना में क्या है, नमनेस के साथ है. ठीक है, तो नमनेस जो है वो देखने को मिलेगी प्लेटिना में, ग्रेजुअली इंक्रीज ग्रेजुअली डिक्रीज. अब इसमें क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ग्रेजुअली डिक्लाइन. हाँ, मोडालिटीज में ग्रेविशन, लॉफिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, यूजिंग द वॉइस, लाइंग ऑन अ राइट साइड, ड्रिंकिंग एनीथिंग वॉर्म. वॉर्म्स इसको एग्रावेशन है, ज़्यादा वॉइस का यूज़ करने से, लाफिंग टॉकिंग इनसे एग्रावेशन है, और कोल्ड ड्रिंक से एग्रावेशन हो तो स्पॉन्जिया. एम्यूलेशन, कफिंग और एक्सपेक्टोरेशन से इसको रिलीफ है, हॉर्सनेस में, और हार्ट प्रेशर से, कोलिक में रिलीफ है. फिर कॉम्प्लीमेंट्री है पर्स्टिला और स्टेनम फॉलोवेल आफ्टर कास्टिकम एंड इज फॉलोड बाय कैल्केरिया, फॉस्फोरस, साइलिशिया, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम. स्टेनम को समराइज कर लेते हैं. एक्सट्रीम एग्जॉशन ऑफ माइंड, सेड डिस्पोंडेंट फील लाइक क्राइंग ऑल द टाइम बट क्राइंग मेक हर वर्स, फेंट एंड वीक स्पेशली व्हेन गोइंग डाउन टू स्टेयर्स, कैन गो अप वेल इनफ, व्हाइल रेजिंग इन द मॉर्निंग हैज सिट टू डाउन सेवरल टाइम्स टू रेस्ट, स्वेट, मॉल्डी, मस्टी ऑडर आफ्टर 4 AM एवरी मॉर्निंग ऑन द नेक, फोरहेड एंड वेरिडेबिलिटी, सिंकिंग एम्प्टी आलगोन सेंसेशन इन द स्टोमक, कोलिक एमुलेटेड बाय हार्ट प्रेशर और लाइंग ऑन एब्डोमन अक्रॉस नी और शोल्डर, लुम्बरिकाई पासेस फॉर्म्स, नोजिया वॉमिटिंग इन द मॉर्निंग फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, मेंसेस टू अर्ली टू प्रोड्यूस सैडनेस बिफोर पेन इन द मेलर बोन्स ड्यूरिंग, लेकोरिया ग्रेटेबिलिटी, वीकनेस सिम्स टू प्रोसीड फ्रॉम द चेस्ट, प्रोलैप्स यू ट्राई वॉर्स ड्यूरिंग स्टूल, सो वीक शी ड्रॉप इन टू अ चेयर इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन, ग्रेट वीकनेस इन द चेस्ट एग्रेवेटेड बाय थिंकिंग, एग्रेवेटेड बाय टॉकिंग, लॉफिंग, रीडिंग अलाउड, सिंगिंग, सो वीक अनेबल टू टॉक, कफ, डीप होलो, शटरिंग, स्ट्रेंगलिंग, कन्वल्जिव इन पैरोक्सिज्म ऑफ 3 कफ्स, ड्राई व्हाइल इन अ बेड इन इवनिंग, एम्प्टी सेंसेशन इन द चेस्ट, एक्सपेक्टोरेशन प्रोफ्यूज लाइक वाइट ओपन एग, स्वीट इज सल्टी, सोअर, पुट्रिट, मोल्ड, मस्टी, येलो, ग्रीन पस ड्यूरिंग द डे, हॉसनेस, डीप हस्की, होलो वॉइस रिलीव्ड बाय द टाइम ऑफ कफिंग एंड एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस, एक्सट्रीमिटीज में व्हेन सिंगिंग और यूजिंग द वॉइस, एकिंग एंड वीकनेस इन द डेल्टॉइड एंड आर्म्स, हेडेक और न्यूरालजिक पेन्स बिगिन लाइटली एंड इंक्रीज ग्रेजुअली. इसमें स्पेसिफिकली इस तरह में हेडेक की बात कर रहा है, न्यूरालजिया की बात कर रहा है, जो कि इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली और हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और ग्रेजुअली डिक्रीज भी होगा. फिर एग्रावेशन फ्रॉम द लॉफिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, यूजिंग द वॉइस, लाइंग ऑन राइट साइड, ड्रिंकिंग एनीथिंग वॉर्म, और मॉड्यूलेशन बाय कफिंग और एक्सपेक्टोरेशन, रिलीव्स हॉर्सनेस, हार्ट प्रेशर, कॉम्प्लीमेंट्री पल्स्टेला और स्टेनम फॉलोज वेल आफ्टर कास्टिकम एंड फॉलोड बाय कैल्केरिया, फोर, साइलिशिया, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम. स्टेनम के कुछ रूब्रिक्स देख लेते हैं. अल्टरनेटिंग स्टेट देखने को मिलेगी, अल्टरनेटिंग स्टेट मेंटल विद इमोशनल. ठीक है, और मॉर्निंग एग्रावेशन एंड वॉकिंग, इवनिंग एग्रावेशन, नाइट एग्रावेशन, मिडनाइट आफ्टर एग्रावेशन, एब्डोमिनल कंप्लेन विथ अब्सेंट माइंडनेस, एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट्स स्टेनम, एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट फ्यूचर अबाउट एक्टिविटी नाइट में, और एयर ओपन एमुलेशन, अलोन एग्रावेशन में भी है और अलोन एमुलेशन में भी है, एंगर एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेशन मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंगर एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेशन एंजाइटी विद एंगर ट्राइफल्स अबाउट साइलेंट पेंट एंग्विश डे टाइम एंग्विशनेस माइंड में एंग्विश एब्डोमिनल कंप्लेनिंग एंग्विश स्टोमक कंप्लेनिंग है ना, एंग्विश वाला हो गया एंजाइटी. ठीक है, एंजाइटी नाइट एग्रावेशन, एंजाइटी एग्रावेशन एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी बेड इन ड्राइविंग बेड आउट ड्राइविंग आउट एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग एंजाइटी हीट ड्यूरिंग मेंसेस के पहले एंजाइटी में बहुत सारा कवर कर रही है स्टेनम. पाल्पिटेशन के साथ एंजाइटी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के साथ एंजाइटी, हार्ट रीजन में एंजाइटी, स्टमक में एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट एंजाइटी रहेगा,
हाउस होल्ड मैटर्स के लिए एंगजाइटी, बहुत सारा एंगजाइटी कवर कर रहा है स्टेनम मैट, एंगजाइटी हेल्थ अबाउट, एब्डोमिनल कंप्लेंट के लिए एंगजाइटी रहेगी, एवराइस रहेगा, अर्डेंट, ऑकवर्ड, बेड एग्रावेशन, बेनोवेलेंस, बेगिंग, बेगिंग इंट्रीटिंग में भी आता है, कंपनी एग्रावेशन, कैरिक डिज़ायर टू बी शोल्डर ओवर, इसमें कैरिक डिज़ायर टू बी कॉन्स्टेंटली में भी आता है, कैरिक डिज़ायर में भी आ रहा है ये स्टेनम, कंपनी एग्रावेशन, कंप्लेनिंग टाइप का पर्सनालिटी है, कंप्लेनिंग स्लिप ड्यूरिंग, कंप्लेनिंग नाइट ड्यूरिंग स्लिप, कंप्लेनिंग स्लिप ड्यूरिंग स्लिप में कंप्लेन करता रहता है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट रहेगा, और कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, हेड एक ड्यूरिंग, कन्वल्जन्स, कफिंग ऑयल, कन्फ्यूजन वगैरह बना हुआ है, कोआडा इस टाइप का है, डेथ एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, कोवार्ड, डिल्यूजन इमेजिनेशन एम्प्टीनेस, डिल्यूजन इसको एम्प्टी वाला, डिल्यूजन इमेजिनेशन इनलार्ज, डिल्यूजन इमेजिनेशन इनलार्ज डिस्टेंस इन आर, डिस्टेंस इनलार्ज हो चुकी है, इनलार्ज सेंसेशन वाला लग रहा, डिस्पेयर, डिस्कम्फर्ट, डिसकंटेंट, डिस्करेज्ड, डाउटफुल, डलनेस, रिकवरी ऑफ डलनेस में भी ज़्यादा कवर कर रहा है, इनवी भी है इसमें स्टेनम में। देन इसके बाद फियर डिसीज ऑफ इनक्यूरेबल ऑफ बींग, फियर डिसीज़ का फियर है इसको, मोशन का फियर है, डाउनवर्ड मोशन का फियर है, पुअर्टी का फियर है, फॉरगेटफुलनेस स्टेनम, फ्राइट फियर एग्रावेशन एलिमेंट फ्रॉम ग्रीड, ग्रीफ, हेटर्ड, हिस्टेरिया, आइडिया फिक्स्ड में भी स्टेनम है, डिफिशेंसी ऑफ आइडिया, इनडिसीजन या रेजोल्यूशन, इंडिग्नेशन में भी है, इंडिग्नेशन से एलिमेंट्स आ रहे किसी को तो, इंडोलेंस में, इंसेनिटी, इरिटेबिलिटी, जेस्टिंग, जंपिंग, लॉफिंग एलिमेंट्स फ्रॉम मिजेंथ्रोफी, लोकेसिटी में भी स्टेनम आती है, इसके अलावा मुटरिंग, म्यूजिक अवर्जन टू म्यूजिक एग्रावेशन, मोशन एग्रावेशन, क्रिया प्रोसेसेस से एलिमेंट्स आएंगे, और क्वाइट डिस्पोजिशन मूड, क्वाइट वांट्स टू बी, शांति चाहिए उसको, और रिजर्व टाइप की पर्सनालिटी है स्टेनम, रेस्टलेस, सैडनेस, डिप्रेशन, सैडनेस, सेल्फ कंट्रोल लॉस ऑफ में स्टेनम, सेंसिटिव बहुत रहेगा स्टेनम, श्रिकिंग, चिल्लाएगा, स्क्रीम करेगा, और सिटिंग डिज़ायर टू वीपिंग, वीपिंग है ना इसमें, स्टोमक कंप्लेंट्स में वीपिंग वगैरह, सुसाइडल डिस्पोजिशन भी है इसमें, सस्पिशियसनेस, मिसट्रस्टफुल, टेकी टर्न, टॉकिंग एग्रावेशन, थॉट्स इसके वेनिस हो रहे हैं, ट्रैंक्विलिटी, अनकॉन्सियसनेस, कोमा, कन्वल्जन्स ड्यूरिंग, वायलेंसी, वॉकिंग, एमुलेशन, ओपन ईयर्स एमुलेशन, वीपिंग मूड हो गया, वीपिंग टीयरफुल मूड, वर्क एग्रावेशन, मेंटल वर्क एग्रावेशन, तो बहुत सारा ये कवर कर रही है। वन एंड ओनली रेमेडी रूब्रिक देखे तो सिंगल रेमेडी रूब्रिक में एंजाइटी हेल्थ अबाउट, एंजाइटी पालपिटेशन विथ कोवाडाइज, फियर प्रेगनेंसी, डिस्कम्फर्ट डू विथ हिमसेल्फ नोज नो वाट टू, वीपिंग, हेड में कॉन्स्ट्रिक्शन, एम्प्टीनेस, हेडेक, न्यूरालजिक, आई में अप्सेस, ईयर्स में इरप्शन, अल्सरेशन, स्मेल, एक्यूट ओवर सेंसिटिव टू स्मेल, नोजिया हो रहा था ना इसको, क्रैम्पिंग पेन, म्यूकस, ब्लडी क्लॉटेड ब्लड आएगा थ्रोट से,
टेस्ट ड्राई टोबैको टेस्ट रहेगा, चेंजेबल एपेटाइट, रेवेनस एपेटाइट, कैनाइन एक्सेसिव एपेटाइट, रेवेनस एपेटाइट में रेपेटी है, थ्रोट में कफिंग से मल्टेशन, नोजिया म्यूकस फ्रॉम थ्रोट इन इफर टू डिटेच फ्रॉम, बाइल की वोमिटिंग, एब्डोमन में हाइपोकॉन्ड्रिया प्रेशर एग्रावेशन, फ्लैचुलेंस, पेन हो रहा है उसको, स्केला कॉन्स्ट्रिक्शन, रंबलिंग नॉइस, एब्डोमन में साउंड आ रहा, स्टूल म्यूकस लिमी वॉर्म्स, वॉर्म्स देखने को मिले थे स्टूल में, फीमेल में लेबर डिलीवरी पार्चुरेशन कंप्लेंट, ल्यूकोरिया डिस्चार्ज पेन, न्यूरालजिक विथ ल्यूकोरिया डिस्चार्ज थिन वॉटरी प्रोफ्यूज न्यूरालजिया, मेल्स में क्वेश्चन इंजॉयमेंट इंटॉलरेबल, इमिशन पोल्यूशन सेमाइनल नाइट सेवरल नाइट, चर्किंग वॉल्यूप्टियस, टाइट क्लोथिंग से ग्रेविशन में भी आती स्टेनम, कॉन्ट्रेक्शन फ्रॉम ट्रेकिया, ड्राइनेस ऑफ एयर पासेज, रफ हॉर्सनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन लाइक सेंसेशन इन चेस्ट, एम्प्टीनेस, स्टिमुलेटिंग फूड एग्रावेट करता है, रफनेस स्क्रैपिंग फ्रॉम द ट्रेकिया, इन्फ्लामेशन ब्रोंकाई ट्यूब्स में, इरिटेशन फूड एग्रावेशन, स्टिचिंग टाइप के पेन होते हैं, कटिंग डिगिंग ड्रॉइंग टाइप के पेन होते हैं चेस्ट में, स्टिचिंग टाइप के पेन, बैक में क्रैकलिंग वगैरह, बैक पेन में भी हेस्ट है ना, स्केपुला डॉर्सल रीजन स्केपुला लेफ्ट 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 स्केपुला में पेन होता है इसको, स्टिचिंग स्पॉट्स डॉर्सल रीजन में स्टेनम है, नमनेस एक्सट्रीमिटीज में, ड्रॉप फिंगर में पेन हो रहा है, रिस्ट में हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, पैरालिसिस में भी स्टेनम आती है, वन साइडेड हेमिप्लेजिया में, ड्रीम्स में स्प्लेंडर, मिडनाइट एग्रावेशन, इरिटेटिंग फूड एग्रावेशन, ये सारा चीज़ें,